ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के जीवन बाग से लगकर एक अपना घर नामक इलाका है जहां लगातार बारिश होने की वजह से एक मजदूर लाहू दशरथ के घर की दीवार गिर गई। दरअसल जिस जगह पर पहाड़ी पर ये मकान की दीवार गिरी है वहाँ बड़ा सा नाला है और इस नाले की वजह से इन घरों पर काफ़ी खतरा भी बना हुआ है। यहाँ तक कि घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, नाले के ऊपर लकड़ी की सीढ़ी बनाकर रखा गया है और लोग उसी के ज़रिए अपने घर में आते जाते हैं। मगर आज जब ये हादसा हुआ, दीवार गिरी, किसी के घायल होने की खबर तो नहीं है, मगर मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी वहाँ पहुँच गए। मगर लोगों ने बताया कि करीब 6 से 7 साल पहले उनके इस घर को मनपा ने खाली करवा दिया था और उन्हें ठाणे के वर्तक नगर में घर दिया गया था, मगर किराए पर। जिन लोगों को किराए पर घर दिया गया है उनका कहना है कि उन्हें कुछ और कहा गया और उनके साथ कुछ और हुआ। उनका कहना है कि जब अपना खुद का घर है तो मनपा के किराए के घर में रहने से क्या फ़ायदा। इसी बात को लेकर मनपा के धनंजय गोसावी से लोगों के बीच काफ़ी बहस हुई। तो वहीं मकानों से लगकर जो एक इमारत की जगह की घेराबंदी की गई है, जो पतरे लगाए गए हैं, उसके ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं, मगर मिट्टी और कचरों का ढेर जो वहां इकट्ठा हुआ है वो अब रास्ते पर गिरने वाला है, जिसकी मरम्मत के लिए जब धनंजय गोसावी से लोगों ने कहा तो किस तरह से धनंजय गोसावी और लोगों के बीच में बहस हुई, पूरा वीडियो देखें। किस पे गिरेगा, किसकी जान हो जाएगी, जिम्मेदारी लेना है, बोलना नहीं ले रहा है, सब ले रहा है आज का दिन नहीं, कभी तो गिरेगा, गिरने वाला है, ऐसा नहीं है, तो गिर गया, बिगड़ गिरने वाले बोलता हूँ, अगर
कुछ हुआ तो जवाबदार आप रहेंगे यार, ठीक है ना? अरे भाई साहब कुछ नहीं होना, चल जा, चलो बाद में अपन फिर देखेंगे क्या करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपने को करेंगे ना, इधर से बाहर आएगा तो ये पूरा लेके आएगा नीचे, उसके अंदर वो सूखा है ना, वो सूखा रहने इसको अपन ना धोनी बेनी लगा के बंद करेंगे टेम्पोरवरी, मगर तुम बोल रहे ना ये तोड़ो, ऊपर से पानी अंदर गया नीचे से रास्ता करेगा पानी, पानी रास्ता इधर तो बाहर निकलेगा कि नहीं पानी? बारिश के बाद भी ऐसी पड़ा है, बारिश होने के बाद भी फिर सब भूल जाते हैं, आप आए ना, ठीक है ना? पूरा एरिया मैं लिए, मगर उसको आपने को मंजूरी के लिए टाइम लगेगा, रोज एक एक डेढ़ महीने से हमारी फाइल मासामी में है, थोड़े रुको, ये पूरा लिए है मैं, आके गया मैं एक डेढ़ महीना पहले, और तुम जो बोल रहे हैं ना ये पत्रा निकल गया तो उसके अंदर पानी जाएगा, उसका मट्टी का वेट डबल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ये इसको बाहर फेंक देगा। ये जो अपना घर का दीवार है ना, ये दो महीने पहले हमने भी देख के गए थे, उसका सर्वे किया था, उसका फाइल बना के कमीशन साहब का साइन हो गया उसके ऊपर, ये 33 मीटर की दीवार ली है अपन, और वो अभी महासभा में है, जो आपातकालीन का निधि है उसमें से, मगर महासभा अपना थोड़ा तोकुब हो गया, जिस दिन महासभा का मंजूर हो जाएगा उसको अपन, हमारा जो पार्षद जो है वो मैं साहब से बात करके इसका काम चालू कर दूँगा, अभी उसको टाइम लगेगा, अपन क्या करेंगे कल उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, वो कैसा एंगल का सपोर्ट देने का है क्या वो कल, अपन पहले ये एमएसएमई का वायर है ना फोन निकालने के लिए, उनका उनको एक एप्लीकेशन दे दो, और वो एप्लीकेशन देने के बाद में नहीं तो उनका आदमी इधर खड़ा करो, ताकि अपन काम करते टाइम पर ये वायर किसी के हम पर नहीं गिरना मनता है, और फिर अपन तीन तीन घंटे में ये थोड़ा सा कट करके अपन कल से काम चालू करेंगे, और आज तुम लोगों ने क्या करने का, एम एस सी बी जाके एक तो बोलो ये वायर निकालो, नहीं तो इधर तुम्हारा आदमी रखो, जिस दिन वो एम एस सी बोले आएंगे अपना भी काम चालू करेंगे इधर, बोलो अभी जो दीवार गिरी है ना, इन लोगों ने वो जो टेक्निकली सिस्टम से दीवार बांधना मांगता है कि नहीं, एक तो पहाड़ी एरिया है, इन लोगों ने क्या किया इधर इधर से पत्थर जमा करके उसमें उसके अंदर सीमेंट का मोर्टर भी भरा नहीं है, वो सिस्टम से दीवार बांधा है, अभी उसके ऊपर का जो पत्र है तो वो जो बोलेंगे ना दीवार तोड़ो तो उसके अंदर पानी सिपेज हो जाएगा और ये पूरा बाहर आएगा, उससे अच्छा उसको उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, जो बाहर का पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है वो नीचे आ रहा है, तो उससे ज़्यादा ये डेंजर है, तो पहले इधर का रोड का काम करता है कल से, और जैसा बारिश रुकेगा ना फिर उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे, इसके साथ में वो भी लिए हैं अपन काम ऐसे। जिन लोगों का घर का मामला है, जो घर बता रही थी वर्तक नगर में दिया गया था घर, ये पहले महापालिका, ये देखो ये पहला एक बता देता हूँ तुमको, ये लोग धोखादायक भी नहीं थे,
कमिश्नर साहब का कहना है कि नाले वाले को घर देने का ही नहीं, फिर भी हमारी म्यूनसिपालिटी ने एक इंसानियत के नाते से घर दिए है। अभी वो भाड़ा भी बोल रहे हैं कि तुम भरो, ये नहीं चलता है। कितना साल पहले ये गोरे साहब थे सहायक आयुक्त, तभी का है 2016-17 का, 16 का मामला रहेगा, 16 का जो महापालिका जो भाड़ा क्यों लगा है, लोग जो बोल रहे हैं महापालिका का पॉलिसी फाइनल होता है, वो भाड़ा क्या हमने दिल से नहीं लगाया, हमारे मन से नहीं लगाया, जो पॉलिसी महासभा ने कमिश्नर साहब ने सब लोगों ने जो डिसाइड किया है उन लोगों के हिसाब से वो भाड़ा ले रहे हैं। अभी घर मिला तो भाड़ा तो देना ही पड़ेगा तुमको, भाड़े से अभी एक तो घर देना ही बंद किया है, फिर भी इंसानियत के नजदीक रहते थे, समझो भाड़ा दे रहे हैं मगर घर तो मिला ना उनको, अभी सहारा तो मिला ही ना, ये भी सोचो ना। कोई तो बोल रहा है भाड़ा बढ़ते बढ़ते हम लोग को तंग आ गया, इसके लिए भाड़े को नहीं छोड़े, हम लोग स्कूल लेते हैं इसके लिए आए हम लोग। क्या कहा गया था आप लोग तो 3 महीना में मिलेगा करके बोला था, बाहर दूसरा जगह पे माड़ा में मिलेगा, हाँ खुद का है, अभी वहाँ भाड़े से, हाँ भाड़े से उसके लिए तो बोल रहे हैं हम लोग, भाड़ा क्यों लगाया, खुद का घर है हम लोग, आने जाने का तकलीफ है, बाल बच्चे का स्कूल है, आने जाने में 200 रुपया लगता है, उनको काम नहीं लगता है, भाड़ा भी भरने का, लेट बिल भी भरने का, वो कचरा वाले को भी देने का, काम भी नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग तंग आ गए। अभी ये नहीं बोला था सैदली भाई, नहीं हम लोग यासिन भाई बोला था चाय जमा कर दे तुम लोग को रूम मिल जाएगा, ये बात भी यासिन भाई ने बोला, इधर भी म्यूनसिपालिटी वाला आया था, तुम लोग 2 महीना के लिए उधर भाड़े से सेफ कर रहा है तुम लोग को, भाड़े से 2 महीना रहो, 2 महीने के बाद तुम लोग को रूम दिलाएगा करके भी बोला, ये 2 महीना के बाद किया है, म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में गया हम लोग, ये लोग बैठ के क्या बोला, हम लोग सवेरे से 6 बजे बस 8 बजे से 6 बजे तक बैठा, म्यूनसिपालिटी वाला सब लोग क्या बोला, तुम्हारा जाएगा हम लोग का कब्जा पे करो, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा देगा हर जाए बोला, हम लोग को हम लोग बोला हम लोग नहीं हटेगा, हम लोग को रूम ही चाहिए, ये बात हम लोग बोला, अब भी उसके सामने में बोलेगा ये बात, जब मिलेगा ना जब ये साहब ने बोला हम लोग को अपना, ये बात साहब वही बोला, उसका नाम नहीं, ये बात हम लोग का नगर से कोई नहीं कर रहा था, ये हम लोग यही बात पूछ लोगों किधर गया था, कौसा का शानू पटाने के पास गया था हम लोग, शानू पटाने के पास गया था हम लोग को रूम चाहिए तू तय करके दे, तो ये लोग हम लोग को नहीं देने को बात करने को नहीं दिया ऑफिस में, हम लोग को पीछे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था, हम लोग रह के भी क्या फायदा, खुद का रूम छोड़ के भाड़े से रहने का, ये क्या मतलब है, मिलेगा करके बोलने का, कितना साल उधर तो भाड़े से ही दिए ले, कौन सा हम लोग को फ्री में रहने को दे ला, तेरा रूम है सबका छोटा छोटा बाल बच्चा है, इधर का स्कूल है वो लोग का, और उधर का तो स्कूल नहीं है, स्कूल का वजह से इधर ये लोग आए हैं, हम लोग आ गए। लोगों का कहना है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, स्थानीय नगर सेवक से भी इन लोगों ने शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, ऐसे में अब अपना घर के इलाके के लोग अपने ही घर के लिए इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।